एक दिन एक लड़का शाम के खाने के लिए अपने पिता के साथ एक रेस्टोरेंट में गया। पिता बहुत बूढ़ा और कमजोर था, इसलिए खाना खाते समय थोड़ा खाना उसकी कमीज और पतलून पर गिर गया। कुछ अन्य लोगों की उस वृद्ध पर नजर गई, वे उसे नीची नजर से देखने लगे। वह मन ही मन में घृणा करने लगे, जबकि उसका बेटा शांत था। वह बिल्कुल शर्मिंदा नहीं था। वह पिता को वॉशरूम में ले गया, खाद्य कणों को कपड़ों से साफ किया, दाग हटाया, बालों की कंघी की और चश्मा पहनाया। फिर जब वे बाहर आए, पूरा रेस्टोरेंट उन्हें देख रहा था। वो इस बात को पचा नहीं पा रहे थे और मन ही मन में खुद को कोस रहे थे कि उन्होंने कैसे किसी को सार्वजनिक रूप से इस तरह से शर्मिंदा किया। खैर, बेटे ने बिल दिया और अपने पिता के साथ बाहर निकलना शुरू कर दिया। उसी समय भीड़ के बीच एक बूढ़े आदमी ने बेटे को पुकार लगाई और उससे पूछा, क्या आपको लगता है कि आपने पीछे कुछ छोड़ दिया है? बेटे ने कहा, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ आपने छोड़ा है। आपने हर बेटे के लिए एक सबक छोड़ा है और हर पिता के लिए एक उम्मीद। फिर रेस्टोरेंट में चुप्पी छा गई। मेरी स्टोरी से ये लेसन मिलता है, हमें सभी बुजुर्गों की सदा सम्मान व सेवा करनी चाहिए। उनका अपमान या उपहास तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। हमें ये बात सदा याद रखनी चाहिए कि बचपन में किस तरह से हमारी सेवा हमारे माता पिता करते थे। यही नहीं, वो जवानी में भी सदा हमारे साथ होते हैं। अक्सर देखने में आया है कि बड़ी बड़ी विपत्ति आने पर सारा संसार हमारा साथ छोड़ देता है, किंतु माता पिता व घर के बुजुर्ग हमारी सहायता अवश्य करते हैं। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए।